सहजन या मुनगा, जिसका बोटेनिकल नेम मोरिंगा ओलिफेरा है, एक ऐसा वृक्ष है जिसे प्रकृति ने असाधारण औषधीय गुणों से परिपूर्ण किया है। इस वृक्ष के इसी औषधीय और स्वास्थ्य वर्धक गुणों के कारण चिकित्सा विज्ञान के जनक चरक ने मोरिंगा को अपने औषधि समूह में रखा था। मोरिंगा मनुष्यों में होने वाले कफ, वात, पीत, गठिया आदि बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम है, इसीलिए ये मनुष्य के खान पान का अहम हिस्सा सदा से रहा है। मानव कल्याण के लिए मोरिंगा के रूप में प्रकृति ने हम मानवों को एक अनुपम उपहार दिया है। मनुष्य मोरिंगा के पत्ते, फूल, फल, खाल, जड़ सब कुछ का इस्तेमाल करता है। तथ्यों के आधार पर सबसे मजेदार बात यह है कि मोरिंगा में पोटेशियम केले से 4 गुना अधिक, कैल्शियम दूध से 14 गुना अधिक, आयरन पालक से 9 गुना अधिक, विटामिन ए गाजर से 2 गुना अधिक, प्रोटीन दही से 2 गुना अधिक पाया जाता है। ये एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट है, जबकि ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और अब मोरिंगा के पत्तियों से कृषि वैज्ञानिकों ने पशु आहार तैयार कर लिया है। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूबी चौधरी ने सफल शोध किया। केंद्रीय राज्य मंत्री और नवादा जिले के सांसद गिरिराज सिंह ने मोरिंगा के पत्तों से बनने वाले पशु आहार और इसके उत्पादन संयंत्र को स्थापित करने में पूरा सक्रिय सहयोग दिया। इस पर 4 साल से हम काम कर रहे हैं लाइव स्टॉक के ऊपर, जब मैं बिहार सरकार में मंत्री था उस समय से। अभी एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का, ये मथुरा में डॉक्टर यूबी चौधरी के साथ उन्होंने 9 महीने में इसे परीक्षण किया, सहजना का कैटल फीड बनाया, कैटल फीड बना करके बकरी पर परीक्षण किया, बकरी में रिजल्ट आया कि उनके कंट्रोल फीडिंग से 9 महीने में बड़बड़ी एक बकरी जाती है, उसका 18 किलो हुआ, इसका 25 किलो वजन हुआ। इसके मीट का जो परीक्षण किया गया, स्लॉटिंग किया गया जानवर का, जो इनके कंट्रोल फीड का था उसके अंदर सिस्ट निकला पैरासाइट का, और हमारे फीड का जो एनिमल था पेट में कोई सिस्ट, कोई कीड़ा नहीं था। जब मीट का एनालिसिस किया गया तो मीट में निकला कि उनके मीट का प्रोटीन 18%, मेरे मीट का प्रोटीन 20%, उनमें सैचुरेटेड फैट 5%, मेरे कैटल को मेरे फीड में 3%, और 47% एंटीऑक्सीडेंट अधिक था। और दूध, इस बकरी का DNA कहता है कि 1 किलो 250 ग्राम देता, लेकिन प्रैक्टिकली 900 ग्राम हमारे फीड खाने के बाद वो 1 किलो 400 ग्राम तक दिया। ये बकरी पर परीक्षण हुआ। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में अगर 2050 तक लाइव स्टॉक का फूड हैबिट ह्यूमन फूड हैबिट से अलग नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा संकट आएगा। हमने इस फीड में ग्रेन को एब्सोल्यूट अलग किया है। ग्रेन को एब्सोल्यूट अलग करने के बाद इस फीड की गुणवत्ता, इस फीड की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ा है। तो नबार्ड के सहयोग से हम लोगों ने नवादा के ओरहनपुर में एक अमित कुमार को फाइनेंस करवाया, वहाँ लगाया। मोरिंगा के पत्तियों से पशु आहार बनाने का सबसे पहला उपक्रम बिहार के नवादा जिले के ओढ़नपुर में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से शुरू हुआ। नाबार्ड अपने प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल रोल के तहत हमेशा से ही कृषि में इनोवेशन पे बल दिया है, और इसी इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो मोरिंगा कल्टीवेशन एज कैटल फीड है, जो सहजन की पत्तियों से पशु आहार का जो आइडिया हमें ICR के साइंटिस्ट डॉक्टर चौधरी से और माननीय मंत्री जी से भी इसकी गाइडेंस मिली, और जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया तो मुझे ये लगा कि ज़रूर इसमें कुछ इनोवेटिव करके हमें किसानों को दिखाने का कुछ मौका है, और इस प्रोजेक्ट पे हमने काम करना शुरू किया। और आज हम ये देख रहे हैं कि मोरिंगा जो कैटल फीड जिससे बना है ये किसानों में काफ़ी प्रचलित हो रहा है।
नवादा जिले के ओढ़नपुर गांव के शिक्षित युवा किसान अमित का चयन पथ प्रदर्शक परियोजना के लिए किया गया और इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। प्रशिक्षित होकर लौटने के बाद ओढ़नपुर में अमित ने मोरिंगा की खेती और मोरिंगा की पत्तियों से पशु आहार का उत्पादन शुरू किया। मोरिंगा के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम मोरिंगा के बीज से पौधों का निर्माण हुआ और 5 एकड़ में इसे लगाया गया। मोरिंगा के पौधों के बीच करीब 1 फीट की दूरी रखी जाती है। मोरिंगा के एक पेड़ से करीब 6 साल तक साल में 4 से 5 बार कटाई की जा सकती है और उनकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कटकर आए मोरिंगा के पत्तों को बारीक काटकर सुखाया जाता है, फिर उसे दूसरे सामग्री मसलन मकई, छोआ, नमक आदि में मिलाकर मवेशी चारा का निर्माण किया जाता है। जब हम ये दाना बनाया तो सबसे पहले अपने जानवर को खिलाया। जब अपने जानवर को खिलाया थे उस समय थोड़ा बहुत दाना बनता था। अब दाना बनाने के बाद एक किसान आया था, वो बताया कि हमारा गाय का दूध नहीं उतरा है, 6 किलो की हमारी गाय है, उसका दूध नहीं आया है। तब हम उसको 5 किलो दाना ऐसे ही दिए कि भैया ले जाओ, आप इसको इस्तेमाल करो, अगर दूध बढ़ेगा तो कहना। अब जब हम 5 किलो दाना दिए तो उसका 3 पौआ से दूध 3 केजी पे आ गया। दिन प्रतिदिन दूध उसका बढ़ता रहा। परिणाम उत्साहजनक हुए। प्रायोगिक तौर पर मोरिंगा की पत्तियों से बने पशु आहार को जब पशुपालकों ने अपने गायों को खिलाया तो उत्साहजनक स्थिति बन पड़ी। मवेशियों में होने वाले थनैला रोग से उन्हें मुक्ति मिली और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। दूध की मात्रा भी बढ़ी और दूध में पाए जाने वाले फैट में भी इजाफा हुआ, जबकि दूसरे पशु आहारों की तुलना में लागत भी कम आई। यानी कुल मिलाकर कहें कि पशुपालकों के मुनाफे में इजाफा हुआ और पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त हुए। मेस्टाइटिस कैटल में होता है, गाय में थनैल रोग, उसको ठीक किया, दूध रेगुलर आ गया इस फीड से। जो गाय पिछले वर्ष केवल 7 किलो दूध देने वाली, अभी 1 किलो के नीचे दे रही थी, वो इस फीड से रेगुलर दूध आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि 20-30% दूध इससे ज़्यादा होता है। तो 3 गाय हम रखे हुए हैं, इसी से मेरा मुख्य पैसा है, ये रोजगार ही है इसको बनाए हुए। ये बीच में इस गांव को 2 महीने पूर्व थनेला रोग हो चुका था और उसके कारण दूध भी बहुत कम गया। अचानक हम ओढ़नपुर गए हुए थे तो वहाँ एक खली जो सोहजन के पत्ता से और कुछ अन्न दे करके जो बनाया गया है, उस खली को हम लेकर के आए और जब इसको खिलाने लगे मालूम हुआ कि ना इससे तो आपका ये रोग भी ठीक होगा और दूध भी बढ़ेगा। तो सचमुच में 4th दिन से हमने देखा कि वह रोग तो अपने आप समाप्त है और दूध भी 1 से 1.25 केजी बढ़ चुका था। हमारी गाय जो है सो बहुत बीमार थी। अब बीमारी के कारण हम नवादा गए हुए थे, नवादा में ही अमित मिला, कहा क्या हुआ है, तो गाय को हमारा थनेला था और थनेला में ही कहा कि हम एक खली दे रहे हैं सहजन की, उसका यूज करो, तुम्हारा गाय सही हो जाएगा। मैंने लाया, खिलाया, 4 दिन के बाद दूध भी बढ़ा और थनेला में भी राहत मिला। जब से मैं सहजन की पत्ती का खली बना के खिला रहा हूँ तब से हमारा गाय का वजन और दूध दोनों में वृद्धि हुई। मेरा नाम पंचेंद्र प्रसाद सिंह है। सहजन का खली खिलाकर मैंने गाय का दूध बढ़ाया। व्यावसायिक रूप से उत्पादन नहीं होने के कारण इसकी अभी पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हम 300 दिन खली को गाय को खिलाना चाह रहे हैं लेकिन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम मुनगा का जो दाना बना था उसको हम खिलाए हैं गाय को, उससे दूध बढ़ा है, लेकिन हम लोग के पास दाना उपलब्ध नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि डेली दें। हालांकि ये एक पायलट योजना है जिसमें अभी पशु आहार का उत्पादन इतना नहीं हो रहा कि जिले की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, लेकिन भविष्य उत्साहजनक होगा ऐसा हम कह सकते हैं अगर मोरिंगा की पत्तियों से पशु आहार का उत्पादन और उसका बाजार संतुलित कर लिया जाए। अगर हम इसकी तुलना गन्ने की खेती से करें तो जहां प्रति एकड़ 3 साल तक प्रतिवर्ष करीब 40,000 तक की कमाई होती है, वहीं दूसरी तरफ मोरिंगा से 6 से 10 साल तक प्रतिवर्ष करीब
50,000 प्रति एकड़ तक की कमाई हो सकती है। एक एकड़ से लगभग 50 टन फीड तैयार होगा और मेरा मानना है किसान को भी लगभग 50,000 रुपये एकड़ आएगा। जो व्यवसायी करेंगे उनको भी 50,000 रुपये एकड़ उनको मुनाफा होगा और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा देश के अंदर जो डेयरी क्षेत्र है, जो गोट का क्षेत्र है वो सस्टेनेबल होगा और दूध का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो गिरेगा। नबार्ड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नबार्ड इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बनावे और पूरे देश के लिए बनावे, मेरा ये आग्रह होगा। किसानों के हित के लिए नबार्ड काम करता है और नबार्ड इसे किसानों के पास जाए, जो जो किसान इसका उपयोग किए हैं। अगर किसान को 50,000 रुपये एकड़ आया और 6 साल से लेकर 10 साल तक उन्हें नई फसल लगाए बगैर इतने रकम आएंगे 50,000, तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर लाइव स्टॉक रखेंगे तो लाइव स्टॉक से आमदनी आएगी और किसानों में खुशहाली आएगी। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक रंजीत कुमार दास भी इस योजना को लेकर काफी आशावान हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में डायरी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से छोटे धारक शामिल है। एफएओ के मूल्यांकन के अनुसार यदि कोई छोटा पशुपालक 1 किलोग्राम दूध के कीमत से 2.5 किलोग्राम चारा खरीदने में सक्षम होता है तो यह गतिविधि आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, किंतु बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह अनुपात मात्र 1.6 है। इस समस्या के निदान के लिए नाबार्ड द्वारा जमीनी स्तर पर पोषक तत्व से समझौता किए बिना कम कीमत पर चारा उत्पादन के बढ़ावा हेतु विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग नाबार्ड द्वारा बिहार राज्य के नवादा जिले में सहजन की पत्तियों मोरिंगा पर आधारित पशु चारा के उत्पादन का सफल प्रयोग किया गया है, जिसके प्रारंभिक नतीजे काफ़ी उत्साहवर्धक है। हमारी यह मंशा है कि समस्त बिहार राज्यों के किसानों द्वारा इस तकनीक को अपनाया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसान मोरिंगा से बने पशु चारा का इस्तेमाल कर अधिक मुनाफा कमाएंगे और समृद्ध होंगे, जबकि पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। बाजार बहुत बड़ा है, जरूरत है इसे वहां तक ले जाने की। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, अभी तो हमने जगह जगह रजौली में, नवादा में किसानों से बातचीत की है। अभी हम यहीं का भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर में जब हमारी इसकी मांग बढ़ेगी उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे क्या काम किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मोरिंगा की पत्तियों से पशु आहार बनाने की ये पहली पायलट योजना बिहार राज्य के नवादा जिले के ओढ़नपुर से निकलकर पूरे राज्य और पूरे देश में जाएगी। मोरिंगा की पत्तियों से पशु चारा बनाने की इस महत्वाकांक्षी योजना को देखने और समझने आने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्रम में यहां सूरत गुजरात के सांसद सीआर पाटिल का भी आगमन हुआ। मोरिंगा की पत्तियों से पशु आहार बनाने वाले इस गिरिराज चौधरी मॉडल से आने वाले वर्षों में पशुपालकों के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक नई रोशनी आएगी।